नमस्कार, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी की मॉर्निंग बुलेटिन में। समाचार के प्रायोजक हैं रीड्स इंफ्रा। सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आई नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, FDA ने दी मंजूरी। जैविक हथियार से जुड़े दस्तावेज पर चीन ने सफाई देते हुए कहा, छवि खराब करने की कोशिश में अमेरिका। WHO भारत के लिए फंड जुटाने के लिए टुगेदर फॉर इंडिया अभियान चला रहा। वैश्विक चिंता का कारण डबल म्यूटेंट यानी B.1.617 वेरिएंट। अमेरिका की गिरती जन्म दर से विशेषज्ञ परेशान, कहा अब आर्थिक ताकत बढ़ाने के साथ आबादी को भी 100 करोड़ करने की जरूरत। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़, लश्कर के 3 आतंकवादी फंसे। अब टीकाकरण अभियान पर सियासत गरमाई, कोविन पोर्टल की जगह खुद का ऐप बनाना चाहती है राज्य सरकारें। देश के सभी मेडिकल कॉलेज के सभी बेड होंगे ऑक्सीजन से लैस, 6 महीने में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। भारत में फैल रहे स्ट्रेन को WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया, लेकिन कहा वैक्सीन इसके खिलाफ असरदार। 2 महीने बाद एक्टिव केसेस में हुई कमी, 24 घंटे में 3.29 लाख संक्रमित मिले, 3.55 लाख ठीक हुए। वहीं 62 दिनों में पहली बार ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा नए मरीजों से ज्यादा। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। राज्य में ब्लैक फंगस के 3 और नए मरीज मेडिका में भर्ती, 2 की आंख की रोशनी गई। CM ने युवाओं को दी खुशखबरी, 14 मई से 18 प्लस को मिलेगी मुफ्त वैक्सीन। झारखंड के पूर्व DGP तारकेश्वर प्रसाद और रिटायर्ड IG हरे कृष्णा का पटना में हुआ निधन। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में गिरफ्तार आरोपी का कनेक्शन, पुलिस अफसरों से रांची के ग्रामीण SP व अंगरक्षक फंसे। बिहार में मास्क नहीं पहनने वालों पर आज से होगा FIR। बगैर काम के गाड़ी लेकर निकलने वालों से वसूला जाएगा मोटा जुर्माना। कोरोना महामारी में जिंदगी बचाने का सौदा कर रहे साइबर अपराधी, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और दवा के नाम पर दिल्ली से बिहार तक करते हैं लाखों करोड़ों की ठगी। बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी जारी, NRI से एक सिलेंडर के लिए वसूला 1.10 लाख, अमेरिका से खाते में रुपए ट्रांसफर। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स के लिए सख्त हुआ कोरोना प्रोटोकॉल, होटल स्टाफ के साथ साथ खिलाड़ियों को इंग्लैंड ले जाने वाले चार्टर्ड प्लेन के कर्मचारी भी क्वारंटाइन रहेंगे। कल इंग्लिश प्रीमियर लीग में बर्नले ने फुलहम को हराया, स्कोर 0-2। ये थी आज की मॉर्निंग बुलेटिन। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए स्वदेश वाणी। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। और अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉग इन करें। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।